हाय स्टूडेंट, जी आई टी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक हमने एमएस एक्सेस में क्या बताया आपको कि पहले डाटाबेस कैसे बनाते हैं, उस डाटाबेस से फार्म कैसे बनाते हैं, फार्म में बटन कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अब देखिए, अब हमें इसका रिपोर्ट देखना है, मीन्स जो हमने डाटाबेस बनाया है। देखो, जो हमने डाटाबेस बनाया है, मैं सोच रहा हूं कि उस डाटाबेस से मैं क्या करूं। उस डाटाबेस से एक रिपोर्ट तैयार करो। जैसे मान लो हमने 100-150 लोगों का डाटा बना दिया, और उसके बाद से जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे कहा जा रहा है रिपोर्ट दीजिए, हम जो हमने डाटाबेस से स्टोर करके रखा बनाया है उसका रिपोर्ट दो। तो आप बताइए, जैसा डाटाबेस बना कर रखे हैं वैसे ही प्रिंट करके दे देंगे क्या? नहीं, उसका हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे? एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और रिपोर्ट में बहुत कुछ होता नहीं है, जो डाटाबेस में डाटा दिखता है वही डाटाबेस में डाटा हमारा किसमें दिखता है? रिपोर्ट में दिखता है। हाँ, डाटाबेस में फोटो दिखाई नहीं देता है, रिपोर्ट में फोटो भी दिखाई देगा, ठीक है? और जैसे डाटाबेस में मैटर दिखाई देते हैं ना, सेम वैसे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। लेकिन डाटाबेस हर जगह हम लोग को शेयर नहीं करना होता, देना नहीं होता है, ठीक है? हमको उससे रिपोर्ट प्रिंट करके देना होता है, रिपोर्ट जनरेट करना होता है, ठीक है? तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा वही सीखने वाले हैं। जैसे मैं 100 लोगों का डाटा बनाया हूँ और हमसे बोल दिए चलो सबका रिपोर्ट दो हमको, ठीक है? तो लगभग एक पेज पे 10 से 12 या 8-9 लोगों का रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है? और आसानी तरीके से रिपोर्ट को हम लोग दिखा सकते हैं। तो कैसे जनरेट होगा वो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है रिपोर्ट तैयार करने का। इसके लिए आएंगे क्रिएट में, और देखो पिछले क्लासेस में हमने ब्लैंक का पढ़ा दिया था ना, तो आज ब्लैंक का ना इस्तेमाल करके आज हम लोग रिपोर्ट विजार्ड का प्रयोग करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? रिपोर्ट विजार्ड का। तो यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो जितने टेबल बने होंगे सब शो होंगे। तो क्या दिख रहा? टेबल वन। क्या दिख रहा अभी? टेबल वन, क्योंकि एक ही टेबल बना है इसीलिए वन शो हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पूछा जाएगा अवेलेबल फील्ड। तो क्या क्या देखना है रिपोर्ट में? रजिस्ट्रेशन नंबर, जी नेक्स्ट कर दे, स्टूडेंट नेम नेक्स्ट कर दे, फादर नेम नेक्स्ट कर दे, कोर्स एड्रेस, जी ये फी उसे कोई मतलब नहीं है, मोबाइल नंबर बस चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए, फोटो चाहिए, ठीक है? फी भी ले सकते, तुम्हारी मर्जी। मतलब एक छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए, मतलब जो जो लोगे वही रिपोर्ट में दिखेगा, जो नहीं लोगे रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। उसके लिए अब आ जाओगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही देखो पूछेगा प्रियोरिटी, मतलब प्रियोरिटी किसके हिसाब से देना है? रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, या स्टूडेंट नेम के हिसाब से, या फादर नेम के हिसाब से, या कोर्स के हिसाब से? तो कोर्स के हिसाब से देना नहीं है, फादर नेम के हिसाब से नहीं देना है, इसीलिए जो प्रियोरिटी देना है हमको नेम के हिसाब से देना है। हम ले दिया स्टूडेंट नेम और कर देंगे नेक्स्ट। तो मेन हेडर दिखेगा स्टूडेंट नेम, और उसके बाद से करना है नेक्स्ट। अब कहेगा डाटा सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? बाई डिफॉल्ट सेंडिंग है, सेंडिंग रहने देते हैं, करेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद से आप कुछ करना नहीं है, पूछेगा रिपोर्ट कैसे देखना चाहते हो, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में? पोर्ट्रेट में दिखा दो, दोनों करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट कर। और दो ऑप्शन दिया है, प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन। तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं तुरंत डायरेक्टली,
और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू करते देखो कैसा आ रहा है, दिख रहा है कुछ लोग का आ रहा है कुछ लोग का नहीं आ रहा है। ये तरीका सही है क्या? सही है लेकिन एडजस्टमेंट सही से नहीं हुआ है। अब नीचे आओ देखो सबका आ रहा है, देखो देखो चार पेज में आया रिपोर्ट। तो ये ऐसे दिक्कत हो रही है, इसको हमको अपने हिसाब से सही करना है। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, कोई बताए इसको अपने हिसाब से सही करना है, कहां जाना पड़ेगा? चलिए अब मैंने वहां पर लाया, व्यू पे आएंगे और डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे। और ध्यान रहे डिजाइन व्यू में ओपन करने के बाद से यहाँ पे ये थोड़ा सा यह सही से फॉर्मेट नहीं है, जिसको सही करेंगे। समझे? और इसको लेने के बाद देखो फोटो इतना बड़ा दिख रहा है, तो फोटो को भी क्या करेंगे यहाँ से छोटा करेंगे। ठीक है, जगह दे के अपनी सब एडजस्ट करेंगे इसको। और अब देखो राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। रजिस्ट्रेशन मरा गया ना बोलो। देखो तो अभी भी देखो ये छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, सही से भी देखो अधूरा है। तो लेकिन अब थोड़ा बहुत आ ही गया, दिख ही रहा है, और भी अपने हिसाब से सेट करना है। इसके लिए फिर इसको ओपन करके आ जाएंगे डिजाइन व्यू में और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको सेटअप करने हैं। हेडर में जो मेन है वो रहेगा ही रहेगा, इसको बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल आईडी है। अब सबके लिए हमको स्पेस देना होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ज्यादा बड़ा भी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये इतना ज्यादा जगह लिया कोई मतलब नहीं इसका, ये थोड़ा सा जगह दे देती इसको। यह जो है हमारा ऐसे रहने देंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, टाइम लगेगा, रिपोर्ट के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, छोटा करेंगे। मोबाइल नंबर के लिए इतना जरूरी नहीं है, छोटा करेंगे, पास में करेंगे। ईमेल आईडी के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, फोटो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत रिपोर्ट कैसे बनाना है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और सेट करने बाद से अब आते हैं, थोड़ा राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कहाँ आते हैं, हाँ रिपोर्ट व्यू। तो चेंजिंग हुआ नहीं, जीमेल आईडी आ नहीं गया बोलो। ये देखो कहाँ पूरा आ रहा था, आ रहा है ना अभी भी। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर सही से फिट बैठा नहीं है, तो यह हेडर क्यों, क्योंकि हेडर पॉइंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पेज के हिसाब से इसलिए यहाँ पे सही से एडजस्टमेंट करके दिखा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसके लिए तरीका और है। कहाँ आ जाओगे, व्यू में, और व्यू के बाद लेआउट में, मतलब दिखाई भी दे, बनाते रहे और शो भी होता रहे। पाया था हमने क्यों डिजाइन, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, अपने हिसाब से अंदाज से बना रहे हैं इसको। हमको दिखाई भी दे जाना चाहिए, आ जाएंगे लेआउट में। अब लेआउट में देखो ये इससे बाहर जा रहा है, पहले इसको आते हैं और इसको यहाँ से अपने हिसाब से सेट करते हैं। देखो आ रहा है, देखो अभी इसको बड़ा किया, थोड़ा जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे रिपोर्ट। अब फिर से इसको क्लिक करेंगे थोड़ा सा, ये इस पे थोड़ा सा ऐसे लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं। और यह देखो ये अंदर छुपा हुआ है, आगे बाबू बोलो। अब देखो प्रायोरिटी किसके हिसाब से दिया हमने बोलो जी, तो स्टूडेंट ने दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब देखो यह जो हमारा रिकॉर्ड है कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और ऐसे बताया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बना सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करने बस मान लो इसको लग रहा है नहीं और छोटा करना है और बड़ा करना है, तो छोटा करना है, थोड़ा और सेट कर देंगे।
यहाँ पे देखो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में, इसको और छोटा कर देंगे, यह देखो पूरा एक बार सेलेक्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, ठीक है, जैसे जीमेल आईडी एडजस्ट कर लें, थोड़ा इसको और छोटा कर देंगे, ज्यादा नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यह आप लोग सेट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इतना ले लिया, अब लेने के बाद से देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इतना जगह दिया है, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटा करके और इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ले लिया ना जी, तो ये अलाइनमेंट अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। अब चलो राइट क्लिक करते, सेव करते और आ जाते कहाँ पे, रिपोर्ट व्यू में, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, समझ रहा है, यहाँ तो किसी को दिक्कत, लेकिन फिर भी देखो यह पास पास में आसानी तरीके से आ गया। कई लोग पास में आई वे नहीं करेगा, परेशान रहेंगे, देखो हमारा देखो एक ही पेज में लगभग सबका डाटा आ गया। बोलो अभी कितने में आ रहा था, चार पेज में, और देखो एक ही पेज में सब एडजस्ट हो गया। रिपोर्ट देने का मतलब यही है कि जो डाटाबेस बनाया है जितनी क्षमता उतना उस पेज पे आ सके, उसके बाद जब प्रिंट करे तो नेक्स्ट उसके बाद आए। और देखो यहीं पे प्रीव्यू ऑप्शन दिया है, रिपोर्ट व्यू प्रीव्यू ऐसे, अब देखो हो रहा है क्या, जब इसको प्रिंट करेंगे ना ये फोटो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको और सेटअप करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट किसमें दिख रहा है, पोर्ट्रेट में, किसमें दिख रहा है, पोर्ट्रेट में, इसको क्या करना पड़ेगा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेज का सेटअप आ गया ना, बोलो ऐसे आप आसानी, लेकिन थोड़ा सा डाटा देखो इसमें कितने पेज में आ गया, दो पेज में, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी पड़ी गई ना, तब कोई बात नहीं, जो हमारा हेडर है वो सब आना चाहिए, भले दो पेज लग जाए। अरे यार आप बताओ, मान लो एक पेज पे डाटा ला दिए लेकिन कुछ आ रहा है हेडिंग, कुछ नहीं आ रहा, उचित है, नहीं है, भले दो पेज लग जाए, मेन जो हेडर है पूरा हेडिंग वो आना चाहिए। कुछ ऐसा रिपोर्ट जनरेट करना है तो आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने पोर्ट्रेट से लेट सेव कर दिया, बोला भी तो बढ़ गया और हाइट कम हो गया, हाइट कम हो गया, दो पेज ले लिया, अब भी ज्यादा हो गया, तो जो नहीं आ रहा था कट जा रहा था इमेज फोटो के साथ आ गया। अरे यही होगा, एक बार नहीं दो पेज पेज पे प्रिंट कर दिया है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कमी तो करनी पड़ेगी, या इसको और छोटा करिए, तो इसके लिए जगह दीजिए इतना, तो कितना छोटा करें हम, पेज की जितनी क्षमता होती है उसी हिसाब से बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, हो जाएगा बाबू। चलो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसका उपयोग कर सकते हो, ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलो सुनारी बात है ना, वही अगर दूर दूर रहता तो दिक्कत हो जाती, कई सारे पेजेस लगते हैं, और यहाँ से प्रिंट करना है तो बस यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, तभी प्रिंट करना नहीं हमको, हेडर पे कुछ देना है, हेडर पे कुछ देना है, क्या देना है, तो आता हूँ इसको क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिजाइन व्यू, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना हमारा टाइटल, यहाँ पे जो लिखा है ये टेबल हटा देते हैं जो पहले से था, और अपने हिसाब से क्लिक करके इसको हेडर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, क्या लिखे, जिसका रिपोर्ट वही तो लिखेंगे, अब लिखने बस क्या किया, सेलेक्ट बोर्ड, साइज ज्यादा बड़ा नहीं करना है, और यहाँ पे लोगो भी लगाना है, डिजाइन लोगो, डेस्कटॉप इसको बड़ा कर देंगे, और डेट एंड टाइम चाहिए तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो यस कर दीजिए, राइट क्लिक, रिपोर्ट व्यू, आ जाएगा, बोलो हेडर देना आपको बताया ही बताया,
कि कैसे हेडर देंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फॉर्मेट और चेंज करना है आपको तो राइट क्लिक करके कहाँ आ जाइए, लेआउट में चेंज हो जाएगा, दिखवे करेगा क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे लेआउट दिख रहा है और लेआउट में आ जाओ फॉर्मेट पे, डिजाइन में दिया ही है। मतलब जो जो करें वो दिखेगा, कौन सा पसंद है आपको जो है वो ले लेंगे। बस रिपोर्ट भी हो जाएगा बाबू, चलिए हम भी जानते हो जाएगा। अच्छा, ये चार ऑप्शन दिया क्यों दिया है, डिजाइन भी उसे अपने हिसाब से रिपोर्ट को डिजाइन करेंगे, लेआउट भी उसे भी डिजाइन करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू से बनाने के बाद कितना प्रिंट होगा एक पेज पे वो प्रीव्यू चेक करेंगे, और रिपोर्ट भी उसे उसका रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, रिपोर्ट और प्रिंट प्रीव्यू फर्क है, रिपोर्ट में ऐसे जनरेट हो रहा सब और इसी को प्रिंट करना है तो देख लेंगे कितना आ रहा है एक पेज पे, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। हो जाएगा ना, तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखिएगा, उपयोग करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑप्शन और सीखते हैं। तो आप बताओ, इतना मेहनत करके बनाया था क्या, कुछ सेव किया ना, क्लोज। अब आप बताइए, डाटाबेस यहाँ पे है, इसी डाटा से हमने फार्म बना लिया है, इसी फार्म से हमने रिपोर्ट बना लिया। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग काम करते जा रहे हैं और डाटाबेस को धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं कि लोग कैसे बनाते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं, इसको क्लोज। क्या करियो, तो नाम जितना दिए रहे उतना ही तो दिखाएगा। चलो क्रिएट पे आते हैं, और क्रिएट पे आने के बाद से ये तो रिपोर्ट भी जाट था ना, तो अगर आप लोग बना बना चाहते हो और हमको बनाना ना पड़े, बस क्लिक कर दो रिपोर्ट, लो बन गया। अरे तो छोटा बड़ा करना करिए, आगे बाबू ये तुरंत जनरेट हो जाता है, तुरंत बन जाता है, और ये भी देखो अच्छा दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके हेडर वेडर क्या देखना है, बस क्लिक करके क्या कर दो, रिपोर्ट भी आ गया। किसका दिया है ऑप्शन यहाँ पे भी, तुरंत वहीं पे लेके जा रहा है। आ रहा ना, मतलब इसको भी जो जनरेट होगा होगा ही होगा, बाद में भी एडिट किया जा सकता, समझे। ये रेडीमेड वाला है, तो देखो आ गया, सेव कर दिया इसको, क्लोज। ये टेबल वन ऐसा दिख रहा है, टेबल टू, दो रिपोर्ट बना लिए दो तरीके से, ऐसे तरीके हैं आप लोग। इसलिए हम सबसे ज्यादा बिजार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेटर तरीके से रिपोर्ट जनरेट होके। अब रिपोर्ट डिजाइन दिया देखो, अब यही से डिजाइनिंग वही करना है, सो टेबल क्लिक, क्या चीज क्या चाहिए बताया था ना हमने, अरे फार्मो यही से बनाना बताया था, थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। आ गया, बस इतना ही चाहिए। बोलो, तो ये अपने हिसाब से जैसे आप लोग बनाओगे ना वैसे ही बन के आएगा।
नहीं करना, राइट क्लिक कर क्लोज, डोंट सेव। तो यहां से बनाते नहीं, ज्यादातर बीजार्ड इस्तेमाल करते, लेबल से रिलेटेड। इसमें देखो कितने भाई कितने का चाहिए, वह लेबल बता रहा है। क्या क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, कुछ ऐसा डिटेल आएगा। तो मैक्सिमम ज्यादातर इस्तेमाल वही करते हैं। अवेलेबल फिट क्या क्या चाहिए, एक लेवल तैयार कर सकते हैं इन सब का, अलग 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 अलग। लेवल नाम सुने हो ना, क्या होता है असली, इसमें लोग पढ़ाए थे हमने, लेबल बनाना नहीं बताया था। चलो अच्छा है, नहीं बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके